चलिए आज हम जानते हैं कि श्री राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्रायः सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थीं, उनकी माता कौशल्या थीं। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंगदेश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बातें कर रहे थे, उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई में राज दरबार की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने से ब्राह्मण को दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रुद्ध हुए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की, इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद ऋष्यशृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलिहान पानी से भर गए। इसके बाद ऋष्यशृंग ऋषि का विवाह शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में ऋष्यशृंग ने ही दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाया था वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था और वहाँ आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियाँ हैं। ऐसे ही कुछ और रोचक बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।